स्टार्ट। मैं आपके इस जेलम टाइम्स के माध्यम से पूरे विश्व को और भारतवासी को और विशेषतः अपने जम्मू कश्मीर निवासियों को इस गणतंत्र दिवस पर विशेषतः बधाई देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि ये वाला जो गणतंत्र दिवस है ये पूरे भारतवर्ष में तो 71वां हो सकता है, लेकिन हमारे इधर जम्मू कश्मीर के लिए मैं इसे बोलूंगा कि ये पहला गणतंत्र दिवस है। धारा 370 हटने के बाद में जो यहां पर लोगों को एक अपने आप में ताकत महसूस हुई है, आज वो अपने आप को ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि वाकई हम एक आजाद देश के निवासी हैं। पहले कहीं ना कहीं जो जम्मू और खासकर लद्दाख संभाग के लोग थे वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये त्रास था, हर किसी के मन में ये पीड़ा थी कि कब हमारे वो अच्छे दिन आएंगे। आज मोदी सरकार के आने के बाद में एक के बाद एक बड़े बड़े कदम लिए गए और मुझे खुशी है इस बात की कि आज जितने भी हमारे वीर हुए हैं, जितने भी हमारे धीर हुए हैं 1947 से पहले, जिन्होंने इस देश की अखंडता, इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, चाहे वो भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद की बात करें, चाहे वो हम उनसे भी पहले जो है हम वीर तांतया टोपे की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, उन सभी ने कहीं ना कहीं अपने जीवन की आहुति देकर इस धरती माता को सींचा है, हमारे सपनों को सींचा है, हमारे भविष्य के लिए अपनी जिंदगी, अपना सब ऐश और सुख सुविधाएं कुर्बान की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 1947 के लगभग कुछ सत्ता के लोगों ने आके यहां पर उन चीजों का दुरुपयोग किया, लोगों की भावनाओं के साथ खेला, हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां जो है उस समय 1947 में कुर्बान हुई। उसके बाद 1950 में जब हमारा ये संविधान लागू हुआ, मैं आज के दिन नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने बाकी जितने भी उस समय के विद्वान थे उनके साथ मिलकर एक इतने बड़े ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है वहां पर उसको बनाया लिखा, जिसको कि पूरे विश्व में सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के भी आज समकक्ष खड़ा किया जाता है, और जिसने हमेशा हमें सिखाया है कि हम कभी भी जाति बंधन और कभी भी कुछ दूसरे जो है ऐसी चीजों में ना फंसकर हम सभी एक हैं, इसी जो है इसी चीज के साथ आगे बढ़े, किसी के साथ भेदभाव ना करें, सबके पास इक्वल राइट्स हो, सबके पास एजुकेशन का, सबके पास नौकरी का, इन सब चीजों का जो है हक हो। मैं आज के दिन सभी से यह भी अपील करना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपील की थी कि भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर इस ऐसे नए भारत की परिकल्पना जो है उन्होंने की है कि जिसमें ना गरीबी हो, ना भ्रष्टाचार हो, ना कहीं पर भूखमरी हो, ना कहीं पर दोगलापन हो, एक अच्छा सुंदर समृद्ध राष्ट्र हमारा बने, एक नया भारत बने, एक उत्तम सर्वश्रेष्ठ भारत बने। इसी के साथ मैं आप सबको अपने इस गणतंत्र दिवस पर एक बार पुनः बधाई देना चाहूंगा। जय भारत, जय हिंद।